मैम इधर सेंटर देखिए, सेंटर तुम लोग का हो गया तो बोलो ठीक का जी। इधर देखो अच्छा ओ वंस मोर इधर आइए इधर आइए मैम आपका सोलो आइए एक मिनट साथ में साथ में साथ में पीछे लेना कैमरा अरे आइए आप आइए मैम ये साइड आ जाइए ठीक है जी मैम ये साइड आ जाइए आइए इधर आइए मैम इधर देखिए या लुक इधर कैमरा लुक लेफ्ट मैम ये साइड आ जाइए आप मैम का सोलो यस एक्टिंग मत कर पाकिस्तानी की कौन कर रहा है चलो थैंक यू कौशिक देखो कितनी शर्माती है वो शर्माती है शी इज कृतिका दीक्षितस डॉटर अपीयरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम सो गुड टू सी यू जस्ट हाईलाइट हर आल्सो या नो आई नो माय बर्थडे इज 20th अगस्त हर्स इज 23rd अगस्त इमेजिन ये अभी शर्माती बाद में से चिगड़ के ले यस बहुत बहुत मुबारकबाद और क्या खास मौका है क्या खास हमें पता है मौका तो बहुत खास है और कुछ खास अनाउंसमेंट भी है क्या आपके एंड पता नहीं ऐसे सब क्यों पूछ रहे मुझे अनाउंसमेंट है नॉर्मली इट हैपेंस यू नो इवन शाहरुख डस या या आई यस शाहरुख डस बट आई कैन जस्ट से थैंक यू बर्थडे फॉर मी इज ऑलवेज स्पेशल माई चिल्ड्रन रोज आई सेड बर्थडे के नाम पे मैं ऐसे छोटी बच्ची हो जाती हूँ कि ओ मेरा बर्थडे मुझे ये करना है मुझे वो करना है एंड थैंक्स टू दिस टाइम कौशिक एंड प्रशांत फॉर इनवाइटिंग ऑल ऑफ यू एंड हैंडलिंग एवरीथिंग फॉर मी सो कुछ ना कुछ हो ही जाता है और एक मेरे में एक तो ना जो अंदर एक बच्चा है जो हमेशा उसको सेलिब्रेट करना होता है बर्थडे एंड आई थिंक वेन एवर माई बर्थडे कम्स इट रिमाइंड्स मी आई एम स्पेशल आई शुड लव माई सेल्फ एंड आई शुड सेलिब्रेट लाइफ दो आई डू इट बट हम बीच में कभी भूल जाते हैं एंड यस मेगा बर्थ से भी मेरा नया शो आ रहा है पहली बार जिंदगी में क्रिटिक ने मेरे काम की तारीफ की है तो आई थिंक आई सेलिब्रेशन तो बनता है How do you see your journey, you know, इतना लंबा वक्त मतलब आप शाहरुख से लेकर कोई ऐसा दिग्गज नहीं जिसके साथ आपने काम ना किया एक लंबा वक्त हो गया इंडस्ट्री में हाउ डू सी योर जर्नी सो फार और कोई ऐसा बर्थडे जो आपने सेट पे बनाया हो यू रिमेंबर यस आई कैन जस्ट से आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू गॉड एंड द इंडस्ट्री कि मुझे सबके साथ काम करने का मौका मिला फिल्म से टीवी से ओटीटी एवरीथिंग एंड 30 years I'm in this industry and I'm still here and people love me so I'm very grateful and thankful yes jab main koila kar rahi thi tab mera birthday tha aur maine celebrate kiya tha shahrukh rakesh ji everybody came that time town mein maine kiya tha and all my birthdays are very memorable and kabhi main celebrate karti hu last year maine bollywood team ki thi अब्बास मस्तान सब आए थे तो मेरी बेटी आके बोलती मम्मा somebody is dressed up like अब्बास मस्तान ऐसे थे अब्बास मस्तान सो लॉट ऑफ मेमरीज आई हैव तब बच्चे छोटे थे अब वो मेरे साथ सेलिब्रेट करते थे मुझे और अच्छा लगता राइट नाउ शी वांट्स टू डू मॉडलिंग एंड देन लेट्स सी हाउ द करियर गोज एंड शी माय लिटिल गर्ल व्हाट योर इश्यू मतलब क्रिटिक सराहते हैं आपके काम को और वो भी जैसे आपने कहा 30 साल इतना लंबा वक्त और आप क्रिटिक अप्रिशिएट करते हैं खास आपके काम को अंडरलाइन करते हैं जिम्मेदारी बढ़ जाती है बहुत एक तो बहुत अच्छा लगता है
I swear it took so long, and this show I can just say it's a very very different role actually which I have not played. तो जब एक हफ्ते के बाद रिव्यू आया तो आई वी वर जस्ट गोइंग यू नो कि अभी मैंने ध्यान नहीं दिया एंड सडनली रिव्यू दे वर प्रेजिंग द शो शो इज वेरी नाइस एंड सडनली आई सी अंडरलाइन कि दीपशिका इज वोटिंग रोल वेरी गुड आई वाज लाइक वाओ फाइनली यू नो तो अब और मज़ा आता है जब आपकी तारीफ होती है या कोई अवार्ड मिलता है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है कि मैं और अच्छा करूँ और मेहनत करूँ नहीं मेरी कंपटीशन मुझसे ही होती है हमेशा मैं हमेशा अपने आप को कंपेयर करती हूँ कि पिछले शो में मैंने क्या किया था जो इस शो में मैं नया कर रही हूँ ऐसा क्या है जो मुझे 12 घंटा सेट पे जाने के लिए ड्राइव करता है सो दैट आई ऑलवेज सी इन द माई रोल एंड द प्रोडक्शन एंड एवरी थिंग एंड बिग बॉस के बाद ये पहली बार मैं कलर्स के लिए शो कर रही हूँ मतलब इतना डिफरेंस हो गया आई डोंट नो व्हाई बट आई एम वेरी हैप्पी दैट एटलीस्ट आई एम डूइंग इट तो अपनी कॉम्पिटिशन अपने हाथ में I want to say thank you to entire my fans. उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया है आप सब ने दिया है प्रेस माई इंडस्ट्री माई फैंस एवरीबडी इसलिए मैं 30 साल तक यहाँ रही हूँ एंड यही कहूँगी कीप मी इन योर प्रेयर्स एंड कीप लविंग मी एंड आई प्रोमिस यू दैट आई विल कीप एंटरटेनिंग थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच थैंक यू मैम पीछे आओ ना भैया Hold, hold, hold. I'm missing my son. Sir, इधर सर अद्दान के पास Thank you, sir. Sir, bite. जी बाइट 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 टुडे इज दीपशिका'स बर्थडे शी इज टर्निंग ना करेंगे घूम पे हां जी उधर आज हमारी नन्ही सी प्यारी सी दीपशिका कमसन सी दीपशिका का बर्थडे है कम टू सेलिब्रेट इट दीपशिका हैप्पी बर्थडे माय डार्लिंग लॉट्स ऑफ लव टू यू सो एक क्वेश्चन हम जानना चाहेंगे कि हाउ जितनी पुरानी आपकी और दीपशिका मैम की दोस्ती है कोई एक मस्जिद कोई एक मस्ती जो आप लोग हमेशा करते हैं आपके पास 4 घंटे दो मिनट तो है दो मिनट भी नहीं बता सकते इतने कमाल मोमेंट्स उनके साथ हमने गुजारे हैं कि दो मिनट में कभी नहीं प्यार करता एक जिंदगी लग जाएगी प्यार करने अगर दीपशिका जी की वो एक क्वालिटी जो हम में से बहुत लोग बतौर एक्ट्रेस नहीं जानते बट बतौर दोस्त आप जानते हैं वो बहुत ही दिखाती बहुत बहादुर है मगर बेचारी छोटी सी बच्ची है अंदर से वाकई एक बच्ची है अंदर और वो बोलते हैं ना बाहर से शेर अंदर से एक छोटी सी बच्ची है इमोशनल है मतलब बहुत इमोशनल वो एक मोमेंट जहाँ पे इमोशनली आपको आपने उनको सपोर्ट किया ओ हो 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 दीपशिका इज़ लाइक अ फैमिली मेम्बर टू मी ऐसा कोई वक्त नहीं होता जब दीपशिका मुझे फ़ोन करके कुछ कहना चाहती है बताना चाहती है या मेरा ओपिनियन लेना चाहती है मैं उसका शुक्रगुजार हूँ कि वो मुझे इतने बड़े ओहदे पे रखती है अपने जहन में और बच्चों के साथ भी अगर कुछ डिस्कशन करना होता है तो माय ओपिनियन इज़ ऑलवेज टेकन एंड आई रिस्पेक्ट दैट ग्रेट थैंक यू सर वेट वेट सर विजुअल मैं बंद करता हूँ सर लेफ्ट में सबसे पहले तो मुझे कैमराज के लिए दो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ आठ कैमरा नहीं है एनीवे दीपशिका मेरी बेटी की तरह है राय सिंघानी वर्सेस राय सिंघानी सोनी टीवी पे आता है 10:30 बजे
आप लोग जरूर देखिएगा कैच दीपिका कैच अभिषेक दीपिका चलो टाइम खराब हो तो मैम के बर्थडे पर आप आए हो, पहले तो आप उनकी दोस्ती के बारे में हमें बताइए। मैम एक बहुत स्टार्ट है दीक्षिका और मेरी दोस्ती 25 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। हम लोगों ने बहुत पहले एक लंदन में एक पंजाबी फिल्म की शूटिंग की जिसमें मैं आई वॉज द लीड मैन एंड शी वॉज द लीडिंग हीरोइन। उस फिल्म की कहानी बहुत ही अच्छी थी, उसमें मेरी वाइफ भी वो बनी थी और हम दोनों की एक बच्ची थी जो कि बड़ी होने के बाद वो भी दीक्षिका ही बनी। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। वहाँ पर हम लोग फर्स्ट टाइम मिले थे और नहीं पता था कि हमारी दोस्ती जो है वो इतने साल तक चलेगी। आई थिंक वो 1998 या 99 की बात कर रहा था, फिल्म जो जिस फिल्म की बात कर रहा था। उसके बाद हम लोगों ने हमारी फैमिली बहुत अच्छी हमारे फैमिली रिलेशन हैं। मेरे घर में उनका आना जाना है, मेरा भी उनके घर में आना जाना है। उनकी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव मैंने देखे हैं, उन्होंने मेरी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव देखे हैं। तो एक बहुत ही पुराना और एक बहुत ही घनिष्ठ रिश्ता है उनके साथ। सो आई मीन उनका बर्थडे होता है 20 अगस्त को और उस दिन तो खैर आना ही होता है, लेकिन उसके अलावा भी हम लोगों की मुलाकातें होती रहती हैं। मेरे घर में मेरी वाइफ के साथ उनकी बहुत अच्छी दोस्ती है। हम लोग हमेशा गणपति विसर्जन हो या कोई भी फेस्टिवल हो, दिवाली होली हो, हम लोग पूरे कोशिश करते हैं कि हम लोग मिलें। थैंक यू सो मच, बाय। सर सर वेट 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 सर विजुअल कैमरा लोग सर लेफ्ट में कैमरा थैंक यू मनीषा जी इधर इधर देखिए मैम इधर इधर मनीषा जी इधर मैम लेफ्ट में कैमरा लो कैमरा लो यार लाइट बाद में चालू करता हूँ। थैंक यू थैंक यू हाँ जी बहुत क्लोज फ्रेंड है। हाँ जी मैं उनको ऑल द बेस्ट विश करना चाहूँगी। बहुत ही पॉजिटिव इंसान है, बहुत ही अच्छी लेडी है और मेरी बहुत बहुत क्लोज फ्रेंड है। हम लोग साथ साथ एक किटी में है, उनके लिए एक स्पेशल बर्थडे की फ्लाई हूँ मैं। सो आई थिंक उनको ये गिफ्ट बहुत अच्छा लगेगा। एक बहुत ही उनका फेवरेट परफ्यूम है और उनको पता नहीं है, इट्स अ सरप्राइज फॉर हर। बट जैसे हम लोग अभी गोवा गए, केरला गए एंड वी हैड अ रियली गुड टाइम विद हर। दीपिका ऐसी है, मतलब मुझे ऐसी लगता है कि जब दीपिका होती है हम लोग को टेंशन नहीं होता है फ़ोटो या रील का, क्योंकि शी इज़ दी एक्सपर्ट इन क्लिकिंग पिक्चर्स एंड रील्स और हमको पता है कि दीपिका है तो हमारे सारे फ़ोटोज़ अच्छे निकलने वाले हैं। अभी तो वी हैव आई हैवन साइंड एनीथिंग येट, मेरा टाटा प्ले ही चल रहा है जो मेरा टैरो शो है, पर आई एम श्योर बहुत जल्द बहुत कुछ हो जाएगा। आई मेट सना, आई मेट पॉलोमी, मिली तो इन दोनों से हूँ। बातचीत तो ऑफकोर्स डब एंड विशाल से काफ़ी हुई है, डेजी से बात हुई है, तो आई थिंक ये 4-5 लोगों से, रणवीर जी से कल बात हुई, उनका बर्थडे था परसों, मैंने उनको कल हमारी बात हुई। सो आई थिंक ये 5-6 जन लोग हैं जिनके साथ दीपक जी से बात हुई। सो हाँ जी हाँ आई मीन इट्स प्रीटी ऑब्वियस कि मतलब जिनके साथ बिल्कुल नहीं बन रही है, जैसे कि मतलब विशाल अरमान उनका तो नहीं है, मेरा अरमान का नहीं है उनकी फैमिली के साथ, तो ऐसे लोगों में तो आई डोंट थिंक कि मतलब बिसाइड बीइंग कॉर्डियल आई डोंट नो कॉर्डियल भी रहेंगे या नहीं, बट ऑफकोर्स वो इशू तो सबको पता ही है। विनय
लो बाइट करो। यस टेक वन। बैठी भी गया अनुज नसीम भाई के पास भी अभी भी मना है। भाई भी बैठी गया। हाँ बैठी गया। क्या विश करें, बस ऐसी ही जो हमारी फ्रेंड है दीपशिखा वाइफ ऑफ एवरी पार्टी वाले ने उसको बहुत एनर्जी दी है, बहुत खूबसूरती दी है, शी इज़ वेरी वाइब्रेंट। यही दुआ है कि उनकी एनर्जी ऐसी ही बरकरार रहे, उनकी खूबसूरती ऐसी ही बरकरार रहे, वो हर महफिल की शान बनती रहे। यारों का यार नहीं वो इमरान ने इतनी सही बातें कही, ये इतने अच्छे अल्फाज से बेहतर में क्या कहूँ। बट वी ऑल हैव बिकॉज़ वी लव दीपशिखा एंड गॉड फादर सही जगह है बिकॉज़ वो गॉड मदर ही। हाँ हाँ यार, मैं तो उसकी जो जर्नी है दीपशिखा की शुरू से ही देखा है। मैं जरा सीनियर था, आई हैड ऑलरेडी स्टार्टेड बट देन शी स्टार्टेड। और एक डैनी डांसोपा का सीरियल था अजनबी, यानी आपको शायद पैदा भी नहीं हुआ होगा, 20 साल हो गए हैं उसको। तो शी हैड अ फैबुलस रोल ऑल द वे कश्मीर जाके शूट किए थे, तो बहुत अच्छी अच्छी यादें हैं। देन शी इज़ प्लेड माई सिस्टर, शी इज़ प्लेड माई वाइफ, और एक सीरियल में उसने मेरी माँ का भी रोल किया। ये किसी से कहना नहीं, एक्चुअली इन द एज। नहीं नहीं, मैंने भी दीपशिखा बहुत काम किया है, सिर्फ हस्बैंड और बॉयफ्रेंड। सो आई वाज मोर लकी। बट नहीं नहीं, वो यारों का यार है, बहुत प्यारी है और बहुत लवेबल है। और जैसे इसने कहा कि बहुत सारी एनर्जी। आई हैव नॉट सीन अ गर्ल एज गट्सी, मैं बता रहा हूँ ये आपको, पूरी इंडस्ट्री बोलेगी। हिम्मत, एम्बिशियसनेस, हार्ड वर्किंग एंड गट्सी, वो लड़की मतलब समुंदर पार कर देगी अगर उसको कुछ चाहिए तो। एंड आई फील ये उसका अभी मिडवे है, बहुत लंबी जर्नी वो तय करेगी गॉड विलिंग। एंड शी इज आवर करंट प्रवीण बावी, आई शी लव दैट। चलो लव।